हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम सेफ। सबसे पहले आप सबों को खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ खिचड़ी और चोखा की रेसिपी। परफेक्ट खिचड़ी अगर बनानी है तो मेज़रमेंट सही होना चाहिए। आज मैं आपको बहुत ही इजी खिचड़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे जिसमें हम दाल सर्व करते हैं। उस कटोरी से आधा कटोरी चावल और आधा कटोरी दाल लेना है। आप चावल कोई भी ले सकते हैं, दाल भी कोई भी ले सकते हैं, मूंग मसूर या तूर की दाल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे तूर की दाल ले रही हूँ। उसके बाद चावल और दाल को अच्छे से वॉश करता है 2-3 पानी से ताकि अच्छे से साफ हो जाए। फिर धुले हुए चावल दाल को कुकर में डाल देंगे और चावल दाल को मिक्स करने के बाद जितनी क्वांटिटी हो रही है उससे 3 गुना पानी डालना है। ये मेज़रमेंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी खिचड़ी परफेक्ट बनेगी। तो मैंने जिस कटोरी से चावल और दाल को नापा था उसी कटोरी से मेज़र करके 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप मूंग दाल यूज़ कर रहे हैं खिचड़ी बनाने के लिए तो 4 कटोरी पानी डालिएगा। फिर इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और कुछ सब्जियाँ। प्याज, टमाटर, गोभी, गाजर, मटर, छीमी, जो भी आपको पसंद हो वो सब्जी आप डाल सकते हैं। सब्जियों को आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर ऐसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैं डालूंगी आलू। मैं आलू को खिचड़ी के साथ ही बॉईल कर लेती हूँ, इससे एक और बर्तन यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो इसमें आलू डाल के कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 1 सीटी आने के बाद गैस के फ्लेम को लो करेंगे और 5 मिनट और पकने देंगे। फिर गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसे खोल लेंगे और ये देखिए खिचड़ी तैयार है। सबसे पहले इससे आलू निकाल लेंगे। आलू को निकाल कर अलग से रख लेंगे। परफेक्ट कंसिस्टेंसी की खिचड़ी तैयार है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। बस अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो इसे साइड पर रख देते हैं। और अब मैं बनाऊंगी चोखा। तो चोखा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल लेंगे। मैं यहाँ पर सरसों तेल ले रही हूँ। सरसों तेल से चोखा का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें राई डाल देंगे और राई जब तड़क जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, मिर्ची और प्याज डाल दें। इसे अच्छे से फ्राई कर लें। जब प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें हरा मटर डाल देंगे। मटर से चोखा का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक और जो हमने बॉयल किया हुआ पोटैटो रखा था उसे मैश करके डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप खिचड़ी के साथ तो खा ही सकते हैं, साथ ही साथ इससे आप आलू पराठा बना सकते हैं, मसाला डोसा बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लास्ट में इसमें धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। चोखा तैयार है। अगर आपको ये चोखा की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब खिचड़ी में तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चम्मच घी। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे राई। राई जब तड़क जाएगी तो इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन का तड़का खिचड़ी में बहुत ही अच्छा स्वाद लाता है, तो इसमें लहसुन का तड़का ज़रूर लगाएं। इसमें एक लाल मिर्ची भी डाल देंगे और लहसुन जब तक गोल्डन कलर का नहीं हो जाता तब तक इसे पकाना है। ये देखिए कलर बहुत अच्छा आ चुका है। तो बस गैस ऑफ कर देंगे और अब खिचड़ी में तड़का लगा देंगे। तो इसे खिचड़ी में हम डाल देंगे और ढककर 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद इसमें डालेंगे धनिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है। इसे चोखा और चटनी के साथ सर्व करें। इस हरी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे दी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और कहते हैं ना, दही, पापड़, घी, अचार खिचड़ी के हैं 4 यार, तो उन 4ों को कैसे छोड़ सकते हैं। उसे भी साथ में सर्व करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।